स्टूडेंट्स, आप भी का ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मतलब आप भी के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। दैट मीन्स आप भी के प्रकार। ओके, तो दोस्त आप भी जो होता है कई प्रकार का होता है, मैं वन बाय वन डिस्कस करता जाता हूँ, आप समझते जाइए। पहला ऊर्ध्वाधर आव्यूह, जिसे हम वर्टिकल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह का मतलब क्या होगा कि जो ऊर्ध्वाधर हो, मतलब कल हमने एग्जाम्पल में दिया था, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल हमारा ए 1 2 3 4 5 6, तो देखिए ये ऊर्ध्वाधर है, वर्टिकल है ना, तो इसे क्या बोलेंगे हम, ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स। अर्थात ऊर्ध्वाधर आप भी वो है जिसमें नंबर ऑफ स्तंभ कॉलम्स जो हैं वो कम हो, किसकी तुलना में, रोज की तुलना में। रोज की तुलना में कॉलम्स क्या होंगे, कम होंगे, मतलब कॉलम लेस देन रोज। क्लियर। अच्छा, ऊर्ध्वाधर आव्यूह का एक स्पेशल आव्यूह होता है जिसे हम बोलते हैं स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह क्या है, देखो स्तंभ आव्यूह मान लेते कोई आव्यूह है जिसमें केवल और केवल एक ही स्तंभ हो, जिसमें केवल और केवल क्या हो, एक ही स्तंभ हो, उसे बोलते हैं अस्तंभ आव्यूह, अस्तंभ आव्यूह या कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर। ऊर्ध्वाधर आव्यूह में जिसमें केवल और केवल एक ही स्तंभ होता है उसे बोलते हैं स्तंभ आव्यूह, और बाकी जो आव्यूह होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह का एक एग्जांपल और देख ले, जैसे 3 2 6 9 0 -3 1 -11 5 6 0 0। ध्यान से देखिए, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 3 4, और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3। कॉलम्स जो है रोज से कम है ना, तो इसका मतलब ये ऊर्ध्वाधर आव्यूह। और वैसे भी देखने से आपको पता चल जाएगा कि ऊर्ध्वाधर है कि नहीं, क्योंकि वो सीधा सीधा खड़ा खड़ा दिखेगा, जैसे इसमें खड़ा खड़ा दिख रहा है एकदम सा। तो बताओ अगर मैं इसका ऑर्डर पूछूं तो कितना ऑर्डर होगा, ऑर्डर क्या होता है, रोज इनटू कॉलम, तो 1 2 3 4, 4 क्या है इसमें, रोज है, और बाई कॉलम कितनी है, 1 2 3, तो 3 कॉलम, तो 4/3 क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा। इसी हिसाब से अगर इसका मैं ऑर्डर पूछूं तो कितना हो जाएगा बताओ, रोज कितनी है, 1 2 3, 3 रोज हो गई, बाई कॉलम कितनी, 1 2, तो 2 कॉलम्स। ठीक है, उसी हिसाब से इसका कितना हो जाएगा, आप इसको कमेंट में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे दूसरा वाला जिसे हम बोलते हैं क्षैतिज आव्यूह। क्या कहते हैं, क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज का मतलब हॉरिजेंटल, सॉरी हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, वर्टिकल मैट्रिक्स था तो वर्टिकल था, हॉरिजेंटल होगा तो क्या होगा, हॉरिजेंटल होगा, मतलब जो पृथ्वी के पैरेलल हो। मैं एग्जांपल देता हूँ, आप देखिए ध्यान से, ए मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए है 1 5 -2 3 6 1। ध्यान से देखिए ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो इसमें खास बात क्या दिख रही है, इसमें देखिए जो हमारी पंक्तियाँ हैं रोज हैं वो केवल कितनी है, 2, जबकि कॉलम्स कितनी है, 2 से ज़्यादा हैं, तभी ये हॉरिजॉन्टल बन पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी क्षैतिज आव्यूह में रोज की संख्या क्या होगी, कॉलम की संख्या से कम होगी।
नंबर ऑफ रोज जो होंगे वो नंबर ऑफ कॉलम से क्या होंगे, कम होंगे। क्यों? अगर मैं इसका ऑर्डर पूछूं तो कितना हो जाएगा बताओ, वन टू, टू रोज इंटू कॉलम्स कितनी, वन टू थ्री। तो बताओ नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से कम है कि नहीं है, कम है ना, इसलिए कौन सा आप भी हुआ, क्षैतिज आप भी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मान लेते हैं वो बी मैट्रिक्स है हमारी, 3 5 6 9 8, 3 -5 -2 1 10, मान लो 6 है यहाँ पे, और थोड़ा सा बढ़ा कर देते हैं, 1 3 8 -7 -1, ठीक है। तो ये वाली मैट्रिक्स ध्यान से देख रहे हैं, इसमें भी ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ रोज कितनी, 1 2 3, जबकि नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम्स है ना। तो कॉलम की संख्या जो है रोज की संख्या से ज्यादा है, या रोज की संख्या जो है कॉलम की संख्या से क्या है, कम है। तो इसलिए ये कौन सा आव्यूह है, क्षैतिज आव्यूह। अगर मैं इसका ऑर्डर कहूँ लिखने के लिए तो कैसे लिखेंगे, पहले क्या लिखते हैं, रोज 1 2 3, तो 3 रोज हो गया इंटू कॉलम कितना, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम्स हो गई। तो 3 by 5 का ये मेरा क्या है, मैट्रिक्स है। क्लियर बात? ओके, अब जो है एक के इसी में स्पेशल मैट्रिक्स है, जैसे अभी जो पीछे हमने देखा था स्तंभ आव्यूह जो कि वर्टिकल आव्यूह का स्पेशल था, वैसे क्षैतिज आव्यूह का स्पेशल क्या होगा हमारा, पंक्ति आव्यूह। क्या स्पेशल होगा, पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह का मतलब क्या हो गया, रो मैट्रिक्स। क्या रो मैट्रिक्स, ये क्या होगा, उसमें मैंने क्या बताया था, उसमें बताया था कि केवल और केवल एक स्तंभ होगा, केवल और केवल एक कॉलम होगा, जबकि पंक्ति आव्यूह में क्या होगा, केवल और केवल एक ही पंक्ति होगी, जैसे -3 2 6 इस टाइप का, या कोई भी ए मैट्रिक्स से मान लेते हैं वो 0 6 -8, मतलब केवल और केवल अगर एक पंक्ति है तो उसे क्या बोलेंगे हम, पंक्ति आव्यूह। नोट कर लीजिए कॉपी कलम में आराम से। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं शून्य आव्यूह। क्या शून्य आव्यूह, नाम से ही स्पष्ट है ना, शून्य आव्यूह, या इसी को कहीं कहीं रिक्त आव्यूह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिक्त आव्यूह। शून्य आव्यूह को जीरो मैट्रिक्स, और रिक्त आव्यूह मतलब नुल या वाइड भी, ठीक, नुल या वाइड मैट्रिक्स। तो शून्य आव्यूह का मतलब क्या, ऐसा आव्यूह जिसके सारे के सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। ऐसे देखो, जैसे यहां पे कोई ए मैट्रिक्स है 0 0 0 0, ठीक है, जैसे कोई बी मैट्रिक्स है हमारे पास, मान लेते हैं सब के सब एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हो सब के सब कितने हो, जीरो, तो उसे क्या बोलते हैं हम, शून्य आव्यूह बोलते हैं। क्लियर बात एकदम। अब हमारा अगला आव्यूह है वर्क आव्यूह। क्या है, चौथा हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम क्या है, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह का मतलब क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में हम का मतलब क्या होता है, स्क्वायर आप लोगों ने देखा होगा तो ऐसे बनता है, जिसकी सभी भुजाएं या लंबाई बराबर क्या होती है, चौड़ाई होती है। तो सेम यहां पे भी होगा, यहां पे क्या होगा, अब इसमें लंबाई और चौड़ाई हम कैसे देखेंगे, इसमें हम देखते किससे हैं, ऑर्डर से। जैसे ये वाली मैट्रिक्स कितनी की थी, 2 by 2 की, और ये वाली मैट्रिक्स कितनी की थी, 1 2 by 3, क्योंकि 3 कॉलम्स थी। तो इसमें हम कैसे देखेंगे, जब हमारे पंक्ति और रो जो जाएंगे बराबर हो जाएंगे तो वो किसका काम करेगा, स्क्वायर का काम करेगा ना। तो इसलिए जो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स की जो बात होती है, उसमें नोट डाउन कर लो, नंबर ऑफ रोज जो होते हैं मतलब पंक्तियों की संख्या जो होती है वो इक्वल टू होती है नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। जैसे एक एग्जांपल देके मैं दिखाता हूं, मान लेते हैं एक
कोई मैट्रिक्स ए है, 1, 2, -3, 1। देखो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी, 1, 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स 1, 2। तो बताओ ये 2x2 की मैट्रिक्स है कि नहीं है? है, तो ये कैसी मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे मान लो कोई एग्जांपल मेरा बी मैट्रिक्स है, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, इस टाइप से कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो बताओ ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, कितने की है, 3x3 की है कि नहीं है, क्योंकि 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स भी हैं, तो इसलिए 3x3 की मैट्रिक्स है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, ये वर्ग ऑफ व्यू बोलेंगे। क्लियर बात? ओके, नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बिकर्ण ऑफ व्यू। कौन सा ऑफ व्यू? बिकर्ण ऑफ व्यू। बिकर्ण ऑफ व्यू का मतलब क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या है, पहले बिकर्ण होता क्या है, जैसे ये कोई हमारी मान लेते हैं वर्ग होता है, तो उसमें ये जो लाइन खींचती है उसी का नाम क्या होता है, बिकर्ण होता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे भी होता है, लेकिन ये जो बिकर्ण आव्यूह होता है ये किसके अंतर्गत आता है, वर्ग आव्यूह के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा ये अपना, वर्ग आव्यूह, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंतर्गत आएगा। इसका मतलब ये हो गया बिकर्ण आव्यूह जो होगा वो हमेशा और हमेशा एक वर्ग आव्यूह होगा। लेकिन एक और कंडीशन है, दूसरी कंडीशन क्या है, बिकर्ण वाले एलिमेंट्स को छोड़ के, जो ये बिकर्ण का एलिमेंट्स होगा इसे मेन बिकर्ण बोलते हैं हम, मुख्य बिकर्ण के एलिमेंट को छोड़ के, मुख्य बिकर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स, सभी अवयव शून्य होंगे। क्या होंगे? शून्य होंगे। एग्जाम्पल देते हैं उसमें समझ में आएगा पूरी तरीके से। जैसे ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं क्या है, एक अवयव ए है, इसमें मान लेते हैं 3, 0, 0, 5। देखिए ये जो है एक वर्ग अवयव है 2x2 का, और ये जो होगा इसका बिकर्ण होगा कि नहीं होगा, तो ये जो वाली बिकर्ण बनती इस तरह से इधर वाली, इसे बोलते हैं मुख्य बिकर्ण। क्या नाम देते हैं इसको, मुख्य बिकर्ण नाम दिया जाता है। क्लियर? और बाकी ये वाले बिकर्ण का कोई महत्व नहीं होता। तो ये मुख्य बिकर्ण वाले एलिमेंट छोड़ के जितने भी एलिमेंट हैं, देखिए सब जीरो है कि नहीं है, अतः यह क्या है, मेरा बिकर्ण आव्यूह है। या इस तरीके से एक एग्जाम्पल देते हैं, बी जैसे मान लो -6, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, 5। बताइए ये जो है 3x3 की मैट्रिक्स है कि नहीं है, एक वर्ग आप भी है। क्लियर? दूसरी बात क्या है, इसका जो ये विकर्ण है, मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण को छोड़ के सभी एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो है कि नहीं है, अतः यह एक क्या है, विकर्ण आव्यूह को प्रदर्शित कर रहा है। नोट डाउन कर लीजिए। अब हम छठवां टाइप पढ़ेंगे जिसका नाम है अदिश आव्यूह। क्या नाम है? अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह का मतलब क्या, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स जो है या एक प्रकार का बिकर्ण आव्यूह होता है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, एक प्रकार का बिकर्ण आव्यूह होता है। बस ध्यान क्या रखना होता है इसमें, या एक प्रकार का क्या है, बिकर्ण आव्यूह है, लेकिन बिकर्ण आव्यूह है, लेकिन जो मेन बिकर्ण के एलिमेंट होते हैं, मुख्य बिकर्ण के जो एलिमेंट होते हैं, मुख्य बिकर्ण के एलिमेंट जो होते हैं वो सेम होते हैं। सेम होते हैं मतलब क्या, एक ही होते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है तो 5, 0, 0, 5। देखिए ये हमारा मुख्य बिकर्ण था, मुख्य बिकर्ण होने के साथ साथ ये बिकर्ण आव्यूह है नहीं, क्योंकि मुख्य बिकर्ण के एलिमेंट के बाद जितने भी एलिमेंट है सब जीरो, बाकी के दो एलिमेंट बचे हैं
ना, और दोनों एलिमेंट कैसे हैं, सेम है, और हमारा सेकंड कंडीशन तो यही कहता है कि सेम होने चाहिए, अतः यह क्या है, एक अदिश आव्यूह, और विकर्ण आव्यूह होने के लिए ऐसा होना चाहिए, आपको कंडीशन पता है, ठीक है। बी वाला पार्ट मान लेते हैं, कोई एक मैट्रिक्स है बी जिसके एलिमेंट्स है मान लो 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ऐसा है। अच्छा, ये एक विकर्ण आव्यूह है, हाँ, इस विकर्ण को छोड़ के जितने एलिमेंट्स हैं सबके सब जीरो हैं, और यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, तो ये क्या हो गया अपना, एक विकर्ण आव्यूह हो गया। लेकिन विकर्ण आव्यूह होने के साथ साथ ये इसके जो मेन विकर्ण है, मेन डायगोनल के जितने एलिमेंट्स हैं सबके सब क्या हैं, सेम हैं, इस वजह से इसे क्या बोलेंगे हम, अदिश आव्यूह बोलेंगे, ठीक है बात, ओके, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम पढ़ने वाले अपनी अगली मैट्रिक्स जिसका नाम है तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह, या इसी को बोलते हैं इकाई आव्यूह, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आएगा। तत्समक का मतलब होता है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और वहीं पे इकाई को कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स, मतलब दोनों सेम है, नाम अलग अलग है। तो ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो अभी हमने पीछे अदिश आव्यूह पढ़ा ना, ये वही है, बस इसमें क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक क्या है अदिश आव्यूह है, ये क्या है एक अदिश आव्यूह है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो मुख्य विकर्ण के एलिमेंट होते हैं ना, मेन विकर्ण के एलिमेंट, मुख्य विकर्ण के एलिमेंट जो होते हैं वो केवल और केवल वन होते हैं, केवल और केवल वन होता है, ठीक है, मतलब जितने भी एलिमेंट्स विकर्ण में होंगे वो सब के सब कितना होगा, केवल एक होगा। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, एक पांच मान लेते हैं, ये कोई मैट्रिक्स ए है हमारी, तो ये 1 0 0 1 देख रहे हैं, ये एक अदिश आव्यूह है, और ये 2x2 की मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन विकर्ण आव्यूह के लिए, मेन को छोड़ के बाकी सब जीरो हैं, ठीक है। तीसरी अदिश होने के लिए क्या था, ये दोनों सेम होने चाहिए, तो देखो सेम है अदिश आव्यूह हो गया। लेकिन आइडेंटिटी होने के लिए जो ये सेम वर्ड होंगे, सेम अंक होगा, वो क्या होना चाहिए, केवल और केवल एक होना चाहिए, इसलिए ये वाला आव्यूह क्या है, तत्समक आव्यूह है। जैसे दूसरा एग्जांपल हम देते हैं, 0 0 0 0 1 0 0 0 1, अच्छा ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लगभग काम आएगा, याद रखना। तो यहाँ पे ये कितने का है, 3x3 का, ठीक है, 3x3 होने की वजह से ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, वर्ग आव्यूह हो गया, एक बात क्लियर हो गई। दूसरी ये देखिए, ये विकर्ण को छोड़ के जितने एलिमेंट हैं सबके सब जीरो, तो इसका मतलब ये विकर्ण एलिमेंट हो गया। तीसरा क्या है, ये वाला जो एलिमेंट है विकर्ण पे जितने भी एलिमेंट हैं सबके सब सेम है, तो इससे क्या हो गया, अदिश मैट्रिक्स हो गई, स्केलर मैट्रिक्स हो गई, लेकिन सेम होने के साथ सबके सब क्या है, वन है, इसलिए ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इकाई आव्यूह। अच्छा, इकाई आव्यूह जो है इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो है इसे अलग तरीके से दिखाया जाता है, थोड़ा सा किससे दिखाते हैं हम इसको, आई एन से, एन का मतलब क्या हो गया, यही कोटि, बताओ कितने की, 3x3 की ना, तो आई 3 से हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसका नाम, आई 3। अच्छा ये कितने की है, 2x2 की है ना, तो किससे हो जाएगा, आई 2 से। जैसे मान लो होता क्या, कोई मैट्रिक्स सी होती अगर ऐसे करके 1 लिखा होता, बताओ ये 1x1 की है कि नहीं है, और इसमें बाकी एलिमेंट है ही नहीं, तो 0 का भरोसा ही नहीं है, मतलब आना ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा ना। इसी तरीके से अगर मैं एक मैट्रिक्स लिख दूं कोई D, मान लो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसा लिख दिया, तो बताओ ये जो है एक विकर्ण बना, ठीक है, और ये मैट्रिक्स किसकी है, 4x4 की है कि नहीं है, क्योंकि 4 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, तो 4x4 की मैट्रिक्स हो गई, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, I4, क्लियर बात, नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी किताब कलम जो भी। हमारी नेक्स्ट
मैट्रिक्स है उपरी त्रिभुजी आव्यूह, उपर त्रिभुजी आव्यूह। उपर त्रिभुजी का मतलब क्या हो जाएगा इंग्लिश में, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, यह भी एक प्रकार का वर्ग आव्यूह है जिसके मेन विकर्ण के नीचे जितने एलिमेंट होंगे वो सब के सब जीरो होंगे। किसके नीचे के, मेन विकर्ण के नीचे जितने एलिमेंट होंगे सब के सब क्या होंगे, जीरो होंगे। एग्जाम्पल के थ्रू आप देखिए, मान लेते हैं हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है 1, 2, 5, 0, 3, 6, 0, 0, -5, ठीक है। ध्यान से देखो, ये अपना क्या है वर्ग आप भी हुए 3x3 का, क्लियर। और ये जो है हमारा क्या कहलाएगा, मुख्य विकर्ण होगा। मुख्य विकर्ण के नीचे जितने एलिमेंट्स हैं, देखो तीन ही एलिमेंट्स से और तीनों के तीनों क्या हैं, जीरो हैं। और जीरो होने के साथ साथ इसे ऊपर त्रिभुजी क्यों कहते हैं, तो ध्यान से देखो, ये जो ऊपर के एलिमेंट्स हैं ये क्या एक त्रिभुज के आकार बना रहे हैं अपने एलिमेंट्स मिला के, हाँ, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ऊपर त्रिभुजी एलिमेंट्स, क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। मान लेते हैं मेरे पास कोई मैट्रिक्स है -3, 2, 5, 6, 0, 1, 0, 9, 0, 4, 0, -1, 11, 0, 0, 0, -8, ठीक है। ये मैट्रिक्स पहले इसे देखेंगे, क्या ये वर्ग आव्यूह है, हाँ 4x4 का है, ठीक है। तो ये वर्ग आव्यूह है, क्यों 4x4 का, चार रोज हैं, चार कॉलम्स हैं, तो 4x4। और फिर क्या चेक करेंगे, जो हमारा मेन विकर्ण है, देखो मेन विकर्ण तो यही होगा ना, तो मेन विकर्ण के नीचे जितने एलिमेंट्स हैं सब के सब क्या है, जीरो है। जीरो होने की वजह से ये क्या कहलाएगा, ऊपर त्रिभुजी आव्यूह, क्योंकि ये ऊपर की तरफ एक त्रिभुज का निर्माण अपने अंकों के जरिए कर रहा होगा, क्लियर बात। ओके, इसी तरीके से हमारा एक नवा मैट्रिक्स है जिसका नाम होता है निम्न त्रिभुजी आव्यूह, निम्न त्रिभुजी आव्यूह। निम्न त्रिभुजी आव्यूह मतलब क्या हो जाएगा, ये अपर था, निम्न मतलब लोअर, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या, जस्ट इसका उल्टा, क्या था इसमें, ऊपर त्रिभुजी में था कि जो है नीचे की साइड में जीरो थे, विकर्ण के नीचे साइड सभी जीरो थे। अब इसमें क्या हो जाएगा, निम्न त्रिभुजी में विकर्ण के ऊपर साइड के जितने एलिमेंट्स हैं सबके साथ जीरो होंगे। जैसे एग्जांपल मान लेते कोई मैट्रिक्स ए है हमारे पास, मान लो ये 3, 0, 0, 1, 2, 0, -5, 6, 1, ठीक है। देखो ये हमारा होगा क्या, मेन विकर्ण, मेन विकर्ण के ऊपर कितने एलिमेंट्स, तीन एलिमेंट्स, और तीनों के तीनों क्या, जीरो। और देखो ये ध्यान से देखो, अगर ये नीचे वाले जो है एक ट्रायंगुलर टाइप को बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, बना रहे हैं ना, अतः इसे क्या बोलते हैं, निम्न त्रिभुजी आप भी बोलते हैं, क्लियर बात। ये जैसे एक एग्जांपल और लेके दिखाता हूँ, मान लेते हैं अपने पास एक बी मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स की बात मैं कर लूँ, तो -5, 0, 0, 2, 1, 0, 0, -1, 6, -3, 0, 4, 9, 8, 11 मान लो है, ठीक है। तो देखो पहली बात तो ये वर्ग आव्यूह है, तो 4x4 का है, ठीक। ये वर्ग आव्यूह होना जरूरी है, चाहे ऊपर त्रिभुजी हो चाहे निम्न त्रिभुजी हो। और ये अपना मेन विकर्ण है ना, मेन विकर्ण के ऊपर के सभी एलिमेंट्स जीरो, और ये नीचे वाले देखो ध्यान से, क्या ट्रायंगुलर बन रहा है, हाँ, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, निम्न त्रिभुजी आव्यूह बोलेंगे, क्लियर है बात। ओके।